मूवी अच्छी थी। क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? द कॉन्सेप्ट, जो एक मिस कम्युनिकेशन थी चीज़ों के साथ, क्लियरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, बहुत एक क्लियर पिक्चर आया कि एग्जैक्टली ये सिनेरियो उस टाइम पे चल रहा था। बहुत बड़ी क्लियरिटी हम लोगों के लिए, हम लोग यहाँ से नॉर्थ इंडियन से, एक कन्फ्यूजन था कि होता कैसे है, किस तरह से होता है, बेसिक्स एंड क्लियर इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करा है, इंस्पायर्ड बाय मोदी एंड अमित शाह, थैंक यू। अच्छा, मतलब इस मूवी के अंदर देखेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा ऐसा इस तरह से हुआ है। हाँ, अंदाज़ा नहीं था, लेकिन होना भी चाहिए था, क्योंकि कश्मीर हमारा ही पार्ट है, कुछ गलतियाँ हमारे पुराने लीडर्स की भी हैं, जो छुपाना नहीं था, ये जो क्लोज फाइव था वो छुपाना नहीं था, उन्हें प्रॉपर वे में दिखाना चाहिए था, लेकिन वो लाए, उसे दिखाया प्रॉपर। आई लव इट। कैसी लगी मूवी? आप तो पूरी फैमिली के साथ हैं, फैमिली मूवी है पूरी तरह, क्या लोगों को कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली इट वाज अ गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों को शायद इतना इन डेप्थ उसके बारे में नहीं पता था कि कैसे इसको एब्रोगेट किया और किस तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, तो दैट वी एक्चुअली गेट टू नो आफ्टर वॉचिंग द मूवी। सो ओवरऑल इट वॉज वेरी यू नो ओवरवेलमिंग एंड काइंड ऑफ वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल। अच्छा, मतलब जिस तरह की मूवी उस तरह से, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह बना दी है, लग रहा है काफ़ी अच्छी बनाई है। सिनेमाटोग्राफी अगर देखें तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से सब इंसिडेंट्स को जोड़ा गया है, पुलवामा अटैक को एंड जो भी इंसिडेंट्स थे उसके आसपास में 2015 से 19 के बीच के, वो सारे बहुत अच्छे तरीके से उनको एक प्रोसेस में दिखाया गया है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, सभी को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। जी, ये मूवी आप देखे हैं, कैसी लगी मूवी? फैंटास्टिक मूवी है, जो रियलिटी में जो लोगों को पता नहीं चल पाया था कि कितनी प्रॉब्लम थी, क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो सारी मूवीज़ में पता चला अभी। अच्छा, मतलब काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब जैसा लगा कि कितनी लेयर्स थी, हमें तो लगता है कि ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितने लोगों का बलिदान था उसके पीछे। ऐसा है जो हम कॉमन पीपल को दिखता है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट काम करती है, और मैं तो कहता हूँ हर एक बंदे को, हर एक जो इंडियन पीपल है जो भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको ये मूवी देखनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि गवर्नमेंट के लोग कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, बाकी अगर फिल्म के हिसाब से देखें, मतलब मैसेज तो अच्छा है, अगर फिल्म की कहानी और सब मिला के उस पर आप क्या कहेंगे? भाई 10 of 10 है, जो हमारी हिस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है हर एक जो भारतवासी है उसको अपने इतिहास का ज़रूर पता होना चाहिए, और क्या जिसमें आर्टिकल थे, क्या अमेंडमेंट है, क्या उसमें ABCD सेक्शन है, उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, तो सबको ये देखनी चाहिए। बहुत अच्छी पिक्चर थी जी, मतलब सच दिखाया है भारत का जो मतलब है, और जिस हिसाब से मतलब गुमराह किया जाता है कश्मीर के युवकों को, वो भी दिखाया, बहुत अच्छा लगा ये देख के, और ऐसे ही कश्मीर के हित में आगे काम हो तो और अच्छा लगेगा, देश का विकास हो जी। तो ये पूरी फिल्म देखने के बाद में, मतलब इसमें दो पार्ट हैं, एक मैसेज है और एक स्टोरी लाइन है, और जिस तरह डायरेक्शन है, तो पहले हम मैसेज की बात करते हैं। मैसेज में तो बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने बस फैसला ले लिया, लेकिन इसके पीछे कितना कुछ काम हुआ है वो इस फिल्म से यहाँ नज़र आया जी। हाँ, तो इसने मतलब सच्चाई पता लगी, जैसे कई लोग हैं जो अभी भी ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते कि वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या बिल को कैसे हटाया गया था, या बिल के बारे में क्या था, तो इसमें सब दिखाया गया है कि क्या बिल से, मतलब कि इससे पहले का क्या इफेक्ट था और क्या आफ्टर इफेक्ट था, तो हटाया गया ये सब। अच्छा, और आप स्टोरी की बात करें तो जब फिल्म देखते हैं आप, तो फिल्म बांध के रखती है, डायरेक्शन कैसा लगा आपको? फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी मूवी लगी, मैं 10 में से 8 या 9 तो रेटिंग दे ही दूंगा। अच्छा, सेम है, जब मैं आया था तो मतलब ओके, मतलब कि जिस तरह का हाइप नहीं था, बज़ नहीं है उस तरह का, तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस साल की ब्लॉकबस्टर में शामिल होने जा रही है। बिल्कुल होनी चाहिए ब्लॉकबस्टर, मोदी जी ने भी बोला था तो होनी चाहिए।